नमस्कारम, वेलकम टू लेट्स कुक अप। आज है बिरयानी टाइम एंड आज हम एक ऐसा बिरयानी बनाने वाले हैं जो आप जितने बार भी खाओगे आप कभी बोर नहीं होंगे। तो चलो साथ में बनाते हैं हैदराबादी स्टाइल चिकन दम बिरयानी। हैदराबादी दम बिरयानी बनाते टाइम एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन। तो हैदराबादी दम बिरयानी में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, वो है बिरयानी का चावल, चिकन और प्याज। तो मैं आज ये आधा किलो का दम बिरयानी बना रहा हूँ, जिसके लिए आधा किलो चावल, आधा किलो चिकन और आधा किलो प्याज लगेगा। प्याज मैंने पहले से ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। तो बाकी के इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है दो बड़ा चम्मच दही, दो चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने यहाँ पे 6 से 7 लहसुन, एक बड़ा टुकड़ा अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है। 1 कप धनिया, आधा कप पुदीना, जितना ज़्यादा आप धनिया लोगे उसका आधा क्वांटिटी हमें पुदीना लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों टाइप का लाल मिर्च का पाउडर लिया है, एक कलर के लिए और एक तीखापन के लिए। ये 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है और ये 1 चम्मच से थोड़ा कम। 1 बड़ा चम्मच घी, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा नींबू का रस, नमक टेस्ट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बिरयानी मसाला लिया है। ये कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। मैं जब भी दम बिरयानी बनाता हूँ तो थोड़ा लाविशली और अच्छे से बनाता हूँ। ये दोनों इंग्रेडिएंट ऑप्शनल है, अगर आपको ये मिलता है तो अच्छा होगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये है काजू और किशमिश जो मैंने पहले से ही रोस्ट किया है, और ये केसर दूध। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें जो बिरयानी मसाला है इसको ड्राई रोस्ट करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें एक एक करके बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले तेजपत्ता 2 से 3, 4 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चक्री फूल, 10 से 12 लवंग, 4 इलायची, 1 बड़ा इलायची, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, काली मिर्च, जीरा, शाही जीरा और सौंफ भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अभी सारे मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई रोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें तेल नहीं ऐड कर रहे हैं। तो मसाले का अच्छा खुशबू आ रहा है एंड ये रोस्ट भी हो गया है। अब इसको हम निकाल के रख लेते हैं एंड इसको ग्राइंड कर लेते हैं एक पाउडर फॉर्म में। तो हमने जो मसाला पहले से ही रोस्ट किया था इसको एक मिक्सर में ट्रांसफर कर लिया है, ठंडा हो गया है मसाला। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करके एक पाउडर फॉर्म बनाते हैं। पहला स्टेप यह है कि हमें चिकन को मसाले में अच्छे से मैरिनेट करके मिनिमम 2 घंटे तक रखना है। आप जितना ज़्यादा टाइम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं जिस बर्तन में आज चिकन दम बिरयानी बनाने वाला हूँ उसी बर्तन में मैं चिकन को मैरिनेट करके रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं दोनों टाइप का लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखापन के लिए और ये कलर के लिए। अब ऐड कर लेते हैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, आधा कप पुदीना, 1 कप धनिया, 2 बड़ा चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, आधा नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 नमक टेस्ट के हिसाब से। इसमें हम ऐड कर लेते हैं 1/2 कप पहले से ही रोस्ट किया हुआ प्याज। अब ये सारे इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले के मिक्सचर में हम ऐड कर लेते हैं चिकन पीसेस। मैंने चिकन को अराउंड 1/2 घंटे तक नमक, थोड़ा सा नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट करके रखा था।
अब ये चिकन पीस को हम मसाले में अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। तो अब ये जो चिकन है इसको हम मिनिमम 2 घंटे तक मैरिनेट करके रख लेते हैं। तो अराउंड 2 घंटा हो गया है, जो चिकन है ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें इस चिकन को कुक करना है। मैंने अभी फिलहाल हाई फ्लेम में रखा है। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम इसको अराउंड 5 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। 5 से 10 मिनट जो मैं बता रहा हूँ ये चिकन के पीस पे डिपेंड करता है, तो आप बीच बीच में चेक कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो चिकन में बॉयल आ गया है। अब इसको हम लिड रख के अराउंड 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जो कुकिंग प्रोसेस है डिपेंड करता है चिकन के साइज के ऊपर। तो अराउंड 10 से 12 मिनट हो गया है, मैंने बीच में चेक किया था कि चिकन कुक हुआ है कि नहीं। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि चिकन कुक हुआ है कि नहीं। एक पीस निकालना है और इसको एक नाइफ से कट करके देखना है। जैसा आप देख सकते हो चिकन इजीली कट हो रहा है, इसका मतलब यह है कि चिकन कुक हो गया है। अब हम आगे के प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हमारा फाइनल प्रोसेस ये है कि बिरयानी और चिकन को अच्छे से दम करना है, जिसके लिए मैं सेम कढ़ाई यूज़ कर रहा हूँ। इस कढ़ाई के नीचे मैंने एक तवा रखा है ताकि दम करते टाइम जो आपका मसाला और बिरयानी नहीं जले। सबसे पहले हम ऐड करेंगे घी, इसलिए ऐड करें ताकि जो बिरयानी और मसाला है ये नीचे चिपके। मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं बॉइल्ड बासमती राइस। बासमती राइस बॉईल करने का प्रोसेस मेरे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे केसर दूध, जो ऑप्शनल है। अब इसके ऊपर हम ऐड करते हैं पहले से ही कुक किया हुआ चिकन। हम आधा चिकन ऐड करेंगे, बाकी का आधा नेक्स्ट स्टेप में। अब इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं धनिया और पुदीना, फ्राई किया हुआ प्याज, काजू किशमिश, ये भी ऑप्शनल है। मैं जब भी दम बिरयानी बनाता हूँ तो थोड़ा लाविशली और अच्छे से बनाता हूँ। अब इसको हम लिड रख के अराउंड 5 से 10 मिनट तक दम कर लेते हैं। तो अराउंड 10 से 15 मिनट हो गया है, अच्छे से स्टीम आ गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। जो लेयरिंग प्रोसेस है ये आपके हिसाब से कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो लेयर प्रोसेस फॉलो किया वही आप भी फॉलो करो। मेरा लास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा खराब था, जहाँ पे जो मसाला है ये जल गया था, क्योंकि मैंने सबसे नीचे मसाला ऐड किया था। यही रीज़न था कि आज का जो चिकन दम बिरयानी बनाते टाइम मैंने सबसे पहले नीचे राइस ऐड किया था। तो अब हम ये चिकन दम बिरयानी को एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमारा गर्मा गर्म हैदराबादी दम बिरयानी रेडी है। इसको मैंने रायता के साथ सर्व किया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए सो दैट आप भी अपने घर पे ऐसा टेस्टी हैदराबादी बिरयानी बना सके। इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अंटिल देन टाटा।